बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर रुबीना और आप लोगों को मैं बहुत ही बेस्ट दवाइयाँ बताती हूँ और ऐसी इन्फ्लेमेटरी दवाइयों के बारे में बताती हूँ जो आप लोग अपने घर बैठे आप अपना इलाज कर सकते हैं। इसके लिए आजकल जो गर्मियाँ हैं, गर्मियों से रिलेटेड मैं वीडियोज़ डाल रही हूँ। बालों के बारे में मैंने डाली है अभी, वो भी आप मेरी वीडियो देखिएगा ज़रूर। सीरम के बारे में, जो आप लोग बाहर से सीरम लेते हैं और वो इसके लिए डाला है मैंने। और एक मसला लोगों को कोलेस्ट्रॉल का है, क्योंकि अब बच्चों की हो गई हैं छुट्टियाँ, छुट्टियों में बच्चों के बच्चे बहुत ज़्यादा और बड़े बहुत ज़्यादा हार्ट की तकलीफें होने लगती हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से ही हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, बीपी हाई हो जाता है। और नंबर दो जो मैं आपको बताती हूँ कि प्रिजर्वेट, जो बाहर के डिब्बों की चीज़ें, वो आप लोगों से अल्लाह के लिए वो नहीं इस्तेमाल किया करें। बाज़ार में अच्छी तो बहुत लगती हैं, डब्बे के जूसेस, डब्बे की चीज़ें, उसमें ना कैल्शियम होता है और एक जहर होता है उसमें, जो आप लोग नहीं जानते कि वो प्रिजर्वेट करने के लिए उसमें जो डाला जाता है वो एक पॉइज़न होता है, जो पॉइज़न आप लोग अपने जिस्म में उतार रहे हैं। उसकी वजह से पहले के लोगों को बीमारियाँ नहीं होती थी इतनी ज़्यादा, अब लोगों को बीमारियाँ इसीलिए ज़्यादा होती हैं कि वो प्रिजर्वेट इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को जूस लिया, दे दिया, चिप्स का पैकेट लिया, बाहर से दे दिया। पहले के लोग घरों की चीज़ें इस्तेमाल करते थे, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। आज जो मैं आपको एक ये बहुत ज़बरदस्त पीचीज आए हुए इसके बारे में बताऊँगी, जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये हैं, ये देखिए पीचीज, बहुत ही मैं क्लिनिक में भी लेके आती हूँ। ये पीचीज हैं, इसका जूस आप लोग बनाएं और इसका जूस बना के, अगर आप लोगों से ऐसे नहीं खाया जा रहा है, ऐसे बहुत अच्छी इसकी रेसिपीज़ होती हैं, वो भी मैंने आप लोगों को बताई हुई है पहले भी, कि इसमें काला नमक और ज़ीरा डाल के आप लोग खाएं, बहुत बेस्ट है ये। और अगर नहीं खाया जाता आप लोगों से, बच्चे नहीं खाते, तो उनको या इसका मैंने जूस बनाया है, ये मैं अपने लेके भी आती हूँ पीने के लिए। और ये मैं जूस, पीचीज का जूस है ये, आड़ू का, ये हम घर में बना के और ये इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई कुछ ज़्यादा नहीं डालते, इसमें कोई प्रिजर्वेट नहीं डालते, कोई चीज़ नहीं डालते, ये बना के फ्रीज कर लेते हैं और बच्चों को एक गिलास ये दे दें आप पीच का। इसमें काला नमक ज़ीरा डालें, और अगर बच्चे शुगर पीते हैं तो शहद डाल दें, शुगर डाल दें। वैसे तो हम लोग शुगर नहीं डालते, आप लोग जो लोग शुगर पीते हैं तो ये डाल दें, ये शुगर के लिए बहुत अच्छे हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। गर्मियों में और बच्चों में पेट में कीड़े हो जाते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छे हैं आड़ू। मैं आपको गर्मियों में सब फलों के बारे में बताऊंगी ताकि उससे आप लोग अपना इलाज कीजिए। और एक ये मैं आपको ये बता रही हूँ, ये शरबत है, ये सिरप, ये कलबोन, ये सिरप, इसमें सौंठ, लहसुन, सिरका, सेब, ये जो आप लोग घरों में बना के रोज़ाना सुबह में ये बना के पानी में डाल के पीते हैं उसको पीने के बजाय, क्योंकि वो अनहाइजेनिक होता है, ये आप लोगों को मेडिकेटेड हाइजेनिक उसूलों पे बना हुआ है, ये नेचुरल दवाई है। इसको लीम और शहद सब मिला हुआ है, इसको एक चमचा पानी में डाल के सुबह में पी लें, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होगा आपको। और कोलेस्ट्रॉल के लिए पीचीज़ जो मैंने बताया ये बहुत बेस्ट हैं, ये लीजिए, ये एक चमचा इसका डाल के पानी में पिए, इससे आपका वज़न भी सेट रहेगा इस दवाई से। और दूसरी बात यह है कि ये जो सुबह में नहार मुशहद और नींबू सौंठ ये बताते हैं, अदरक, उससे बचेंगे आप, बनाने की भी आपको मुश्किल नहीं होगी। बना बनाया इसमें प्रिजर्वेट नहीं होता, मेडिकेटेड बना हुआ होता है ये, इसको आप लोग इस्तेमाल करें। चैनल को मेरे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, फ़र्स्ट टाइम आप लोग देखते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। लाइक और शेयर मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ कि आप लोग, ताकि और लोगों को भी आपसे ये फ़ायदा हो। मैं तो वीडियो बना देती हूँ आप लोगों की वजह से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारा शहर, सारा माशरा हमारा, हर शख्स सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे। सेहत है तो सब कुछ है, फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोगों की जो ज़िम्मेदारी है, सबसे पहले आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें। गर्मियों में कुव्वत मदाफ़त आप लोगों की होगी तो आप लोग अपना इलाज कर सकेंगे, दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेडिकेटेड ये जो मैं आपको बताती हूँ ये इस्तेमाल कीजिए, मैं हमेशा वो वाली आप लोगों को चीज़ें बताती हूँ जो आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो सेहतमंद रहेंगे। वो दवाइयाँ नहीं बताती कि मैं एंटीबायोटिक और ये इससे इलाज नहीं करती, मैं होम्यो की दवाइयों से करती हूँ।
और ये फ्रूट्स से और ये जो चीज़ें हमारे अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला कभी भी आप लोगों को बीमारी नहीं होगी। ये बाज़ार के तेल, बाज़ार की चीज़ें, बाज़ार के खाने ये आप लोग इस्तेमाल करेंगे, कभी कभार तो हर शख्स खा लेता है, लेकिन आप लोग जो बहुत ज़्यादा देखिएगा इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, गुर्दे में पथरी उन्हीं के बनती है, उन्हीं के सारी बीमारियाँ होती हैं। लिहाजा एहतियात करें और गर्मियों में बाहर के खानों से अवॉइड करें। बहुत शौक़ होता है सबको पिज़्ज़े और बर्गर खाने के, मदर्स को चाहिए कि घर में इस्तेमाल करें, घर में हर चीज़ बनाएं, बच्चों को दें अगर सेहतमंद बच्चे चाहती हैं तो। और कोई बात, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में सब लिखी होती हैं दवाइयों के नाम भी, अगर और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।